नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएनटीवी। एनपीआर, सीएए और एनआरसी के विरोध में देश में माहौल जो है वो गरमाया हुआ है। जगह जगह आंदोलन चल रहे हैं, महिलाएं सड़क पर है। 29 जनवरी को भारत बंद भी किया गया था और इसी माहौल में आरएसएस की तरफ से एक बयान आया है कि आदिवासी जनगणना में अपना धर्म जो है वो हिंदू लिखे। आरएसएस का ये बयान इसी माहौल में क्यों आया है, क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र छिपा हुआ है, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ आज प्रेम कुमार गेडाम जी है, जो कि राष्ट्रीय संयोजक है राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बयान का असली मतलब क्या है। प्रेम कुमार जी, स्वागत है एमएनटीवी पर। धन्यवाद। क्या क्या लगता है आपको, किस वजह से ये बयान आरएसएस की तरफ से दिया गया है? पहली बात तो आरएसएस की तरफ से जो बयान दिया गया है आदिवासियों को हिंदू लिखने के लिए जनगणना में, तो मैं एक बात आरएसएस के भी लोगों को बताना चाहता हूँ और खास करके आदिवासी समाज को भी ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि हिंदू और आदिवासी शब्द का दूर दूर तक किसी भी प्रकार का कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, मोहन भागवत जी जो आदिवासियों को हिंदू लिखाने की जो बात कर रहे हैं, तो 26 जनवरी 1950 के पहले हमारी कोई पहचान नहीं थी और 26 जनवरी 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो संविधान में हम लोगों को पहचान दी गई आर्टिकल 342 में, और वो पहचान है शेड्यूल ट्राइब के नाम पर, जिसमें करीबन 800-850 आदिवासियों की देश भर की जातियां हैं। अब ये पहचान की व्याख्या बनाई गई थी संविधान निर्माताओं के द्वारा, और वो व्याख्या ये थी कि जो एजुकेशनली बैकवर्ड, जो सोशियली बैकवर्ड, जिनमें ट्राइबल ट्रेड के गुण है, जिनमें डिस्ट्रिक्ट कल्चर है, जिनमें टेरिटोरियल पोजेशन है, उन लोगों को भारत में आदिवासी कहा गया है, शेड्यूल ट्राइब कहा गया है। तो मुझे बड़ा हैरानी होती है कि जब डॉक्टर मोहन भागवत जी के द्वारा जब ये बयान दिया जा रहा है आदिवासियों को हिंदू लिखाने का, तो डॉक्टर मोहन भागवत जी डॉक्टर है, पंडित आदमी है, बुद्धिमान व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है, लेकिन उनको ये बात समझ में कैसे नहीं आ रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब संविधान में ये पहचान हम लोगों को दी गई है कि शेड्यूल ट्राइब के नाम पर, और वो आदिवासियों को हिंदू बनाना चाहते, तो मैं एक बात मोहन भागवत जी को भी बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को जब आदिवासियों के केसेस जब सुप्रीम कोर्ट में चले तो 16 जजमेंट है भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, और 16 जजमेंट में ये बात कहा गया कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट से मोहन भागवत बड़े है क्या इस देश में? और दूसरी बात, जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो फिर क्या ये बात मोहन भागवत जी को समझ में नहीं आ रही है? लेकिन ये षड्यंत्र पूर्वक आदिवासियों को हिंदू बनाने का कार्यक्रम क्यों किया जा रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। पहली बात, संविधान में अधिकार कैसे मिले? तो संविधान में अधिकार मिले आइडेंटिटी के आधार पर, और ये जो आइडेंटिटी है, ये जो पहचान है आदिवासियों की, ये पहचान कस्टमरी लॉ की वजह से, कस्टमरी लॉ क्या है, जो कला, सभ्यता, संस्कृति, अस्तित्व, पहचान, रूढ़ी, परंपरा, ये जो कल्चर है आदिवासियों का, ये कल्चर आदिवासियों का अन्य जातियों से भिन्न है, अलग है, मेल नहीं खाता है, इसलिए ये हमारे कस्टमरी लॉ आदिवासियों के अलग कस्टमरी लॉ है। ये पहचान के आधार पर आदिवासियों को संविधानिक अधिकार मिले। अब संविधान में अधिकार क्या मिले, तो 15(4), 16(4) में नौकरी का अधिकार मिला, आर्टिकल 21(335) में शिक्षा का अधिकार मिला, आर्टिकल 275 में आदिवासियों के लिए स्पेशल बजट है, आर्टिकल 330 और 332 के अंतर्गत सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री बनने का अधिकार मिला, और आर्टिकल 342 में आदिवासियों की पहचान दी गई है, और इससे और मौलिक अधिकार और विशेषाधिकार आदिवासियों को दिया है आर्टिकल 244(1) में पांचवी अनुसूची स्वायत्त शासन, और आर्टिकल 244(2) में छठवी अनुसूची मालकियत का अधिकार, यानी जल जंगल जमीन का मालक। अब पांचवी अनुसूची में एक मौलिक बात लिखी हुई है धारा 5(2) में कि आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता। जब आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी खरीद ही नहीं सकता,
तो फिर आरएसएस के लोगों ने प्लान बनाया कि अगर जल जंगल जमीन आदिवासियों से छीनना है, क्योंकि 90 प्रकार के धातु है उस जमीन के अंदर, और संविधान कह रहा है उसका मालिक आदिवासी है, अगर वो छीनना है तो फिर आदिवासियों को गैर आदिवासी बनाना पड़ेगा, और गैर आदिवासी बनाने के लिए उनकी पहचान खत्म करनी पड़ेगी, और पहचान खत्म करने के लिए ये हिंदू शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, और आदिवासियों को हिंदू लिखने के लिए वो लोग मजबूर कर रहे हैं। तो मेरी यही विनती है तमाम भारत के आदिवासी भाइयों को कि वो जो अभी 1 अप्रैल 2020 से जो NPR यानी नेशनल पॉपुलेशन ऑफ रजिस्टर्ड यानी जनगणना जो शुरू होने जा रही है, तो मैं तमाम आदिवासियों से ये अपील करता हूँ कि वे हिंदू ना लिखे। अगर आप लोगों ने हिंदू लिखा तो निश्चित रूप से पहचान समाप्त हो जाएगी, पहचान अगर समाप्त हुई तो संविधानिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे, और संविधानिक अधिकार अगर समाप्त हो गए तो फिर रिजर्वेशन इन प्रमोशन, रिजर्वेशन इन एजुकेशन, रिजर्वेशन इन सर्विस, रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स, शिक्षा का अधिकार, नौकरी का अधिकार, आरक्षण, ये सारे मूलभूत जो अधिकार है ये सारे मूलभूत अधिकार समाप्त हो जाएंगे अगर हिंदू शब्द लिखने से ये सारा सत्यानाश होने वाला है। इसीलिए NPR में बहुत सारे अधिकारी आदिवासी लोगों के घर में जा सकते हैं, तो उनको भी ये बात आदिवासी भाइयों ने समझानी है कि हमारा धर्म हिंदू ना लिखे, ये संविधानिक अधिकार इससे खत्म हो जाएंगे। और एक बात मैं आदिवासी भाइयों को बताना चाहता हूँ कि बहुजन क्रांति मोर्चा ये जो एक मंच बनाया गया है इस देश में लाखों संगठनों को इकट्ठा करने के लिए, और उसके राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम साहब है, और वामन मेश्राम साहब के द्वारा यह ऐलान किया गया 25 मार्च 2020 को NPR बायकॉट आंदोलन, तो भारत बंद का भी एक, और उन्होंने 29 तारीख को भारत बंद का भी आह्वान उन्होंने किया था, तब बड़े पैमाने पर हम आदिवासी लोग उस भारत बंद में शामिल भी थे और सफल भी किए। तो उसी प्रकार से NPR बायकॉट आंदोलन जो 25 मार्च 2020 से, जो 25 मार्च को भी भारत बंद का एक उन्होंने अभी ऐलान किया, हाँ, तो 25 मार्च को जो भारत बंद है और 25 मार्च को ही जो NPR बायकॉट आंदोलन है उसमें तमाम आदिवासी लोग हम लोग उसमें समर्थन भी दे रहे हैं और साथ साथ में उस आंदोलन में सहभागी है। और आखिरी में इतना ही कहना चाहता हूँ, RSS के लोग आदिवासियों को गैर आदिवासी बनाने का कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि आदिवासी अगर गैर आदिवासी बन गया तो निश्चित रूप से आदिवासियों का स्वायत्त शासन खत्म किया जा सकता है, उनको जल जंगल जमीन के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, और शेड्यूल एरिया को नॉन शेड्यूल एरिया घोषित किया जा सकता है ताकि उस एरिया के जो बहुमूल्य जो धातु है वो धातु चुराए जा सके। अब 27,000 कंपनियां भारत में आ रही है, तो कंपनी भारत में आएगी तो जमीन चाहिए और पानी चाहिए, और वो सारा का सारा आदिवासी के पास है। तो इसीलिए आदिवासियों को जल जंगल जमीन से बेदखल करना, उनकी पहचान समाप्त करना, ये सारा जो मामला जो है ये पहचान से जुड़ा हुआ है। पहचान बचेगी, बरकरार रहेगी, तो अधिकार बचेंगे, बरकरार रहेंगे। जैसे 13 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि 10 राज्य के 11 लाख आदिवासियों को वो जंगल खाली यानी उनकी जल जंगल जमीन खाली करने का जो आदेश दिया गया है, तो अगर इतना बड़ा षड्यंत्र इस देश में अगर हो रहा है तो ये मोहन भागवत जी का बयान, अभी जो NRCCA और NPR जो का चर्चा जो चल रहा है या भारत में जो बवाल चल रहा है उसी के बीच में ये बयान आना कि आदिवासियों को हिंदू लिखने के संदर्भ में, तो ये आदिवासियों की पहचान समाप्त करने का कार्यक्रम है, अधिकार समाप्त करने का कार्यक्रम है, अस्तित्व समाप्त करने का कार्यक्रम है। अगर ये सत्य समाप्त अगर हो गए तो प्रमुख दो चीजें होने वाली है, एक तो आदिवासियों को वोट के अधिकार से वंचित किया जाएगा, और दूसरा आदिवासियों को डिटेंशन कैंप में ढकेला जाएगा। तो इससे बहुत बड़ा खतरा आने की संभावना हम आदिवासियों के ऊपर है। तो इस संदर्भ में हम लोग पूरे देश भर में जागृति और जनजागरण का भी कार्यक्रम हम लोग करने वाले हैं, और साथ साथ में आदिवासी भाइयों से मैं ये अपील भी कर रहा हूँ
कि जो भी एनपीआर 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है उसमें गलती से भी हिंदू शब्द नहीं लिखना है, किसी भी प्रकार से नहीं लिखना है, क्योंकि हिंदू के नाम पर संविधान में किसी भी प्रकार की कोई आर्टिकल नहीं है जिससे हमें संविधानिक अधिकार मिल रहे। हमें संविधानिक अधिकार केवल और केवल मात्र हमारे पहचान के आधार पर मिल रहे हैं, और वो पहचान है हमारी आदिवासी, जिसको संविधानिक शब्द में कहा गया है शेड्यूल ट्राइब। तो इसको हमें बरकरार रखना है, और एनपीआर बायकॉट आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम लोगों को शामिल होना है। धन्यवाद। शुक्रिया प्रेम कुमार जी हमसे बात करने के लिए। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MNTV को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।